पहले फोटोज लेना है। मैं टाइमलाइन पे लेके आ रहा हूँ फोटोज को, इस लेयर को डुप्लीकेट कर रहा हूँ। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूँ, पहले थोड़ा आईज को जूम करता हूँ, और जो डुप्लीकेट किया था ना उस लेयर को जाके सेलेक्ट करके जो इफेक्ट कंट्रोल में जाके ओपेसिटी का पेन टूल यूज करना है। एक मास्क बनाना है, होने के बाद आपको इफेक्ट कंट्रोल में आके जो क्लॉक बटन दिख रहा है ना इसको क्लिक करना है, और उसके बाद आपको जो सिलेक्शन किया था ना वो डिसअपेयर हो गया, मतलब चला गया। उसके लिए वापस लेने के लिए, वापस लेके आने के लिए जो मास्क वन है ना इसको क्लिक करता हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा पीछे आता हूँ वीडियो को, इसका की फ्रेम ऐड करता हूँ, देखता हूँ कि कहाँ कहाँ ये हो रहा है। थोड़ा थोड़ा आपको एडजस्ट करना है। मैं वीडियो को फॉरवर्ड करता हूँ क्योंकि आपको बोर ना हो जाए। मास्क करने के बाद ये आपको वीडियो ना कट करना है कंट्रोल के से, नहीं तो आप ए टूल भी यूज कर सकते हो। इस क्लिप को सेलेक्ट करने के बाद जो मास्क है ना मैं डिलीट कर रहा हूँ इस क्लिप पे, सिर्फ ये जो क्लिप में है ना इस पे मास्क रहता। देखते हैं अभी कैसा इफेक्ट हुआ है। ये ऊपर वाला लेयर को मैं ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा मैं फेदर ना ऐड करता हूँ इस पे। अभी आपको इफेक्ट ऐड करना है, मिल गया वी आर ग्लो इफेक्ट डालना है आपको। और प्रॉपर्टीज में आके इफेक्ट कंट्रोल में आके थोड़ा इसको छेड़ना है आपको, प्रॉपर्टीज क्लिक करके जो आप कौन सा कलर यूज करना चाहते हो। मैं थोड़ा येलो यूज करना चाहता हूँ। यूज टिंट कलर, इसका थोड़ा वैल्यूज अप एंड डाउन करना है हमको। अभी देखिए इफेक्ट आपका बन गया। अभी देखिए थोड़ा हिल रहा है बहुत, मतलब अच्छे से मैंने आपको दिखाने के लिए किया हूँ। आप आराम से की फ्रेम वगैरह ना, मतलब टाइम लेके आप करोगे ना तो अच्छा हो जाएगी। इसके बाद आपको दोनों को नेस्ट करना है। ऐसे आपको कंटेंट मिलता रहेगा, इसलिए हमारे चैनल को जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए प्रीमियर एसेंशियल को। आपको ऐसे ही नया नया कंटेंट मिलता रहेगा, और बेल आइकन को भी दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे क्रिएटिव।